मंत्री बनने के बाद लक्ष्मी राजवाड़े लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अभी तक विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी राजवाड़े लगातार क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को देखने के लिए निकल रही हैं। इस बीच सूरजपुर जिला अस्पताल में अचानक मंत्री अपने परिचित मरीज से मिलने पहुँच गयी। जब उन्होंने अस्पताल में पसरी गंदगी और अव्यवस्था का आलम देखा तो भड़क गई। अस्पताल के बाहर तो छोड़िए, अंदर भी गंदगी पसरी हुई थी। ऐसे में मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा। खबर सुनते ही मौके पर CMHO साहब भी पहुंच गए, जिसे बुलाकर मंत्री जी ने जमकर फटकार लगाई और व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद मंत्री राजवाड़े ने मरीजों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों के बारे में भी जाना और उनका हालचाल लिया। देखिए, मैं अपने एक पेशेंट को देखने आई थी यहाँ, और पेशेंट को देखने के दौरान मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूम के देखी तो वाकई में यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है, जो सूरजपुर के आसपास के, मतलब सूरजपुर जिले के पूरे पेशेंट यहाँ पे अपने इलाज के लिए आते हैं, तो यहाँ मैं घूम के देखी तो एक भी यहाँ की व्यवस्था मतलब पूरी तरह से गड़बड़ है। शौचालय सही नहीं है, ऊपर छत में पानी लीच करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पेशेंट है वहाँ कचरा है, मतलब पूरी तरह से व्यवस्था लचर व्यवस्था है। मैं यहाँ के जो CMHO हैं उनको बोली हूँ कि यहाँ पे जो व्यवस्था चरमरा गई है उसको चुस्त दुरुस्त करें, या तो फिर कार्रवाई की जाए। देखिए, उस टाइम मैं आई थी और उस टाइम से एक भी बदलाव नहीं दिख रहा है। पूरे डॉक्टर जो जिला अधिकारी से लेके जितने भी नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, अभी भी उनमें कोई सुधार नहीं है। अगर अभी भी सुधार नहीं हुए तो निश्चित ही उन पे कार्रवाई करने पे हम आतुर हो जाएंगे। सूरजपुर के भटकाओं विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर लक्ष्मी कैबिनेट में शामिल हुई हैं। ऐसे में लक्ष्मी के मंत्री बनने से सूरजपुर वासियों को काफी उम्मीदें हैं। अब सूरजपुर जिला अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने का आदेश राजवाड़े ने दे दिया है और ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। देखने वाली बात होगी कि मंत्री के आदेश के बाद अस्पताल की व्यवस्था में कितना सुधार आता है। सूरजपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।